हम कहाँ पे थे बेटा लास्ट टाइम? हाँ SHM पढ़ रहे थे हम लोग, नहीं SHM नहीं, वेयर्स पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग अनुज। चलो वेयर्स याद है कुछ कुछ या भूल गए? छुट्टी में एक दिन छुट्टी तुम्हारी, भूल गए हो? याद है सर। याद है, अच्छा चलो फिर पूछ लेता हूँ 5 मिनट, ठीक है? चलो भाई ये बताओ और सर बता वेयर्स। दो सर। हाँ बेटा सुन, इतना अग्रेसिव मत हो, अगर आराम से चल सुन। वेव्स में कौन दौड़ता है? पार्टिकल्स। एनर्जी। एनर्जी दौड़ती है, गुड शाबाश। और जो है मेरे पास वेव्स की टाइप्स बोलो, टाइप बोलो वेव्स की, कितनी टाइप लाई मैंने? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी। मिशनरी। तो चलो मुझे बताओ मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल डिफरेंस क्या होता है? मैकेनिकल में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन मैकेनिकल में नहीं होती। गुड, सारे आंसर मैं ही देगी आज लगता है, ठीक है जी। अच्छा ये बताओ मालविका, ये बता मेरे को ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फर्क क्या होता है? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फर्क क्या है? पूरा तू रहने दे। मैं कुछ अरे बोला तो तेरे पेज पलटने की आवाज आ रही थी, नहीं तेरे पेज पलटने की आवाज आ रही थी, ठीक है चलो सर। मैंने नोटबुक खोली नहीं चाहिए धक्के से ही। भाग। चल सुन, चलो अपन ये पढ़ लिया, ठीक है जी। उसके तीन चार फॉर्म थी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है बेटा बताओ मेरे को? पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी ऐसी होती है, तो थीटा क्या था इनके बीच में? जीरो, यानी क्या जीरो। बोलते हैं वो? पैरेलल बोलते हैं। और ट्रांसवर्स में क्या होता है? वेव जा रही है ऐसे और पार्टिकल ऑसिलेट करता है ऐसे, तो एंगल क्या था? 90 डिग्री, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। फिर बात की थी मैंने प्रोग्रेसिव और इसकी स्टेशनरी, स्टेशनरी। ठीक है जी। तो प्रोग्रेसिव के अंदर क्या होता है? एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती रहती है ऐसे लगातार, ठीक है जी। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी में क्या होता है? दो पॉइंट है मान लो, तो एनर्जी इनके बीच में रहेगी हमेशा, मतलब इन दोनों पॉइंटों को कभी क्रॉस नहीं करेगी, तो बेसिकली फिक्स्ड पोर्शन के बीच में कन्फाइंड रहती है, ठीक है। इधर से इधर नहीं जाएगी, ठीक है, और ना इधर से इधर आएगी, समझ में आया? कन्फाइंड रहेगी ऐसे। ये था मेरा स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद मैंने बेटा बताया था आपको, एक चीज पूछी थी मैंने तुमसे कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसका फॉर्मूला याद है? चेस चेक करते थे पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, याद है सर। याद है? बोल फिर क्या था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बोल क्या था? वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वेरी गुड, गलत आंसर। माइनस चलो इनटू में वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। माइनस इनटू वेव वेलोसिटी इनटू मेरे पास क्या था? स्लोप। यार ये पागल बच्चे ना, बिहार के लाला को निकालते हैं, जब बिहार का लाला कौन है ये? क्या क्या नाम रखते हैं लोग, बिहार के लाला, ये लाला, ठीक है जी। खुद ही निकल गया भाई साहब। चलो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर पॉजिटिव आता था मेरे पास, इसका मतलब क्या था? पार्टिकल ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है, और अगर नेगेटिव आता था नीचे तो पार्टिकल नीचे जा रहा है। जा। तो ये सब चीजें याद। और वेलोसिटी ऑफ वेव वेलोसिटी अगर इधर जा रही थी बेटा मेरे पास तो पॉजिटिव लेते थे, इधर वेव जा रही थी तो क्या मतलब है? नेगेटिव ले रहे थे, नेगेटिव। ठीक है बेटा। और तुम्हें याद होगा अगर मैं बात करूं, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात करूं, तो अगर टी और एक्स के बीच में मान लो ऐसे साइन है,
टी भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है, या फिर टी भी नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है, तो वेव किधर जा रही है? नेगेटिव एक्स में। दोनों के साइन सेम थे बेटा, तो वो किधर जाती है? नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है मेरे पास। और अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो जाती है किधर? ऐसे जा रही है, मुद्दे की बात है। ठीक है, ये सब चीजें बातें समझ में आ गई थी। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या था बोलो? टू पाई बाई टी। और वी का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? लैम्डा बाई टी। और के का फॉर्मूला बोलो, इसमें नए नए फॉर्मूले नई चीजें हैं। गुड, शाबाश। ये बातें मैंने बताई थी आपको, यहाँ तक सबको याद होगी, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा और क्या सिखाया था? कुछ सिखाया नहीं। चलो सुनो, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे बेटा, वेव वेलोसिटी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वेव वेलोसिटी। याद है कुछ स्ट्रिंग में? इसमें कितने मर्जी मैकेनिक्स जोड़ लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, ये सवाल भी शायद आपने किया था कि रस्सी रुस्सी बांध दी, याद है? ये कराया था क्या मैंने? ये सर आपने बताया था कि ऐसे करेंगे। अच्छा, कराया नहीं, चलो ठीक है, बताया। तो सुनो, मान लो मेरे पास ये दीवार है, ये रस्सी है, ठीक है। इस पे वजन अटका रखा है, मान लो आपने अटका रखा है कितना, 100 किलो का वजन अटका रखा है आपने। और स्ट्रिंग का वजन दे रखा है बेटा आपने वो क्या, 1 किलो मान लो, ठीक है। स्ट्रिंग का वजन 1 किलो मान लो, और स्ट्रिंग की लेंथ मान लो अपने को दे रखी है 10 किलो और 10 मीटर, सॉरी। अब पता क्या करते हैं सवाल में, क्या कहेगा कि यहाँ पे एक पल्स जनरेट किया अपन ने, मतलब जैसे मैंने ऐसे एक पल्स जनरेट की, वीडियो में देखो ऐसे एक पल्स जनरेट की, जाके दौड़ती है बेटा स्ट्रिंग की, रस्सी बांध करते ऐसे करते हो आगे जाती है बेटा, मानते हो? तो वो वेव कितने टाइम में वो उस दूसरे एंड पहुंचेगी, ये निकालना है अपने को। ये वाला जो स्ट्रिंग का पल्स है वो चलते चलते कभी यहाँ पहुंचेगी, कभी यहाँ पहुंचेगी, एंड में यहाँ कितने में पहुंचेगी, ये करना होता है अपने को। तो सुनो बेटा, इसकी एक डेरिवेशन है, कराऊं या छोड़ दूं? बोलो, छोड़ देते हैं। चलो, हमारा आएगी जानी बोर्ड में कंपटीशन, जो फॉर्मूला आएगा वो आता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू या लैम्डा, जो मर्जी बोल लो। टी क्या होता है बेटा इसके अंदर? टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, और म्यू क्या होता है इसमें? मास पर यूनिट लेंथ। तो बेटा इस केस में समझाता हूं कि तुम निकाल लोगे, ये मास पर यूनिट लेंथ किसका? रस्सी का। किसका? स्ट्रिंग का। बताओ स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर, और इसको लिखते कैसे? म्यू लिखेंगे आपका कैसे? एम बाई एल। तो बेटा स्ट्रिंग का मास कितना रखा है अपने को? 1 kg दे रखा है बेटा, मानते हो? लेंथ दे रखी है कितनी? 10 मीटर। तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 0.1 kg per meter, ये मेरा म्यू की वैल्यू आ गई। टेंशन कितनी आएगी बोलो इसमें? टेंशन बताओ कैसे निकालो रस्सी में? सवाल किए थे मैकेनिक्स में टेंशन वाले, ओ माय गॉड। नीचे क्या लगता है? एम जी लगता है बेटा, मानते हो? एम कितना है इसका? 100।
100 इंटू 10 कर दूं क्या आ जाएगा, 1000 आ गया बेटा मानते हो, तो टेंशन कितनी आएगी, ये ब्लॉक चल रहे हैं रेस्ट पे, बोलो रेस्ट पे, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000, सिंपल सी बात है बेटा। अब फॉर्मूला पुट करते हैं अपन, ये टी वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1000 और ये कितना है 0.1, तो 10000 बन गया बेटा मानते हो, तो आंसर क्या आएगा बोलो, 100 100 आ गया, तो स्पीड आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेव पल्स को ट्रेवल करना है, इधर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसमें, 10 मीटर, 10 मीटर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड बेटा मानते हो, डिस्टेंस 10 है और स्पीड कितनी है 100 है, तो बेटा ये क्या आ गया मेरे पास 0.1 आ गया, चमका 0.1 सेकंड में ये वेव पहुंच जाएगी। अब इसमें बहुत सारी मैकेनिक्स घुसा सकता हूँ, बहुत सारी घुसाऊँ धीरे धीरे, चलो करें सवाल, बोलो भाई। यस सर, ठीक है। यस पहला सवाल देखो लल्लू, सवाल तुम खुद ट्राई करोगे, टाइम पास सवाल, दो दिन तो पहले उसका ढंग के सवाल करते, चलो पहला लल्लू सवाल तुम्हारे लिए, स्ट्रिंग ऐसे वजन लटका रखा है, वही अपना फेवरेट 100 किलो, और इसका मास लेते स्ट्रिंग का वही 10 किलो, लेंथ क्या दे रहे हैं फेवरेट अपना फिर से 10 मीटर, यहाँ पे एक पल्स जनरेट किया अपने, कितने टाइम ऊपर पहुंच जाएगी ये निकालना, निकालो मैं कराऊंगा या करोगे बोलो खुद से, बोलो भाई मैं कराऊं खुद करोगे, मर्जी है सर आपकी, चलो कितना आसान, ठीक है चलो, मुद्दे की बात क्या है, टेंशन तो क्या आएगी बोलो, 100 G यानी क्या आ गया, फिर से 1000 आ गया मेरे पास, म्यू की वैल्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, उज्ज्वल लिखना रहने दे यार, मास की वैल्यू क्या है मेरे पास स्ट्रिंग की 10 और 10 मीटर यहाँ पे है, तो क्या आ गया 1 आ गया म्यू बटा मानते हो, तो वी की फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टी कितना है मेरे पास 1000, म्यू कितना है 1, तो वैल्यू क्या आ गई 10√10 आ गया बेटा मानते हो, तो वेलोसिटी 10√10 है, टाइम क्या आएगा मेरे पास, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है 10√10, तो वैल्यू क्या आ गई 1/√10, चमका हाँ ना बोलो, यस सर, यस सर, अब ढंग के सवाल दे दो, टाइम पास था बिल्कुल, ठीक है, तो फॉर्मूला रटवाने वाला सिंपल था कि फॉर्मूला याद हो जाए कैसे निकालते हैं, अब लो पुराने सवाल अगर तुम्हें याद है, न्यूटन लॉ याद है तो तुमसे कर लोगे, कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे पल्स जनरेट किया अपन ने, इधर ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम पहुंच जाएगी यहाँ पे, अभी खुद करोगे मैं कराऊं बोलो, खुद करेंगे करो, क्वेश्चन रिपीट करना सर, क्वेश्चन बेटा ये है कि एक टेबल था, टेबल पे दो पुली लगा दी कोने में, दो ब्लॉक टांग दिए 5-5 किलो के, ठीक है जी,
और ये रेस्ट पे बेटा, यहाँ पे एक पल्स जनरेट की मैंने यहाँ पे, और ये पल्स कितने टाइम में यहाँ पहुँच जाएगी, ये है। स्ट्रिंग की लंबाई 5 मीटर है, स्ट्रिंग का मास 1 किलो है, बस। वन बाय टू अंडर रूट टेन शायद ये वन बाय टू अंडर रूट टेन भी नीचे सर नीचे, ठीक है देखते हैं। कल तो टेंशन क्या है, कितनी टेंशन कितनी आई बोलो? 100। अच्छा कितने लोगों टेंशन 100 आई बोलो, ईमानदारी से बोलना भाई, सब लोग 100 ही आएगी। यस सर। अनुज का आ रहा है, ठीक है जी। दिखाऊं क्या सर कैसे किया? दिखाया कैसे तू था? कैमरे से और कैसे? कैमरा दिखेगा इतना मैं चमत्कार की आँखें मेरी। चल सुन। मैक टेंशन 100 आई है, मानती है बेटा? सर मेरी तो 50 आई है। हाँ टेंशन 50 आएगी, 100 क्यों आएगी? पापी हो सारे उम्र के क्या तुम? ये देखो ये ब्लॉक रेस्ट पे है, मोशन बताओ। रेस्ट पे सर। तो इस पे क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? 50 लग रहा है बेटा। ऊपर क्या लग रहा है? टी लग रहा है बेटा। तो अरे अब चल नहीं रहा, टी की वैल्यू क्या आएगी? 50 आएगी, 100 आएगी, संजू 50 आएगी सर। तो फिर तू 100 की लेके बैठी है, तो 50 सुसाइड भी तो है सर। वाह वाह क्या बात है, 50 ठीक है। रॉप में आपका क्या मानते हैं बेशर्मी से? टेंशन थ्रू आउट सेम रहती है बेटा, मानते हैं? अरे हाँ ना बोल। यस सर। जो सवाल आप ऐसे करते हैं, ये देख ये वाले सवाल अलग थे, देख 5 और 5 ऐसे रस्सी अलग अलग थी बेटा, मानती है? तो यहाँ टेंशन क्या आती थी 50, यहाँ क्या आती थी 100, समझ में आ रही है? रस्सी अलग अलग थी, अगर रस्सी एक है तो आप बेशर्मी से क्या मानते हैं? टेंशन हर जगह सेम मानते हैं बेटा, ठीक है? अच्छा सर, ठीक है सर। नहीं है? आ गया सर, गलती कर रही है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 50 आएगी, 100 नहीं आएगी, ठीक है पहली चीज। तो फिर तो है ही नहीं कुछ भी। म्यू क्या है बोलो? मास बाय लेंथ, मास कितना? 1 किलो। लेंथ कितनी है? 5। तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 आ गया बेटा, मानते हो? अब बस पुट कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? टी बाय म्यू, टी है 50, ये था 2 बाय 10, तो ये बन गया मेरे को 500, 500 का 250 बन गया बेसिकली। 250 का रूट क्या आएगा बताओ? 5√10 आएगा बेटा, मानते हो? यस। तो ये मेरा आ गया स्पीड, स्पीड पता लग गई। टाइम पूछा है तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कितना है? 5। तो 1/√10, अच्छा तेरी गलती वही है, तू 100 लेके तूने किया है, बाकी जरा सही है। यस सर। चलो एक और दूं, बढ़िया सवाल दो सर। चलो अब के में करेंगे, ठीक है? चलो मान लो ऐसे है, एक ट्रक है, वही अपना फेमस ट्रक याद है कौन सा? सूडो फोर्सर, गदर वाला। चलो ट्रक है, मान लो ट्रक चल रहा है बेटा, मान लो ऐसे ये रस्सी बांध रख, ट्रक में रस्सी बांध रखी है आपने, ठीक है? ट्रक चल रहा है बेटा, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है? और ये रस्सी की लंबाई है मेरे पास, वो दे रखी है 10 मीटर। क्या दे रखी है? 10 मीटर। यहाँ पे वेव जनरेट किया आपने, इस वेव इसकी वेव वेलोसिटी दे रखी बेटा, मान लो 5 मीटर पर सेकंड।
तो इस वेव को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इसमें ट्रक भी चल रहा, ध्यान रखना। चलो पहले पहले एक सवाल करते हैं, पहले ट्रक को रेस्ट पे मानते, चलो पहले अपन ट्रक को रेस्ट पे मानते, ट्रक रेस्ट पे ही है, कोई वेलोसिटी नहीं है और वेव वेलोसिटी 5 है, तो इस वेव को यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगेगा बोलो? 2 सेकंड लगेगा क्या? पूछ रही, बता रही है, बता रही हूँ। टाइम होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है 10 है और स्पीड कितनी है 5। वेरी गुड, ठीक है जी, समझ में आ गया सर। तो वैल्यू क्या आ गई? 2। ठीक है, अब भाई साहब ट्रक चला रहे हैं, आप ट्रक चला रहे हैं, स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, अब बताओ कितना टाइम लगेगा? 10 by 15 क्यों? पूछ रहा हूँ तेरे से, मैं भी पूछ रही हूँ सर। बाकी लोग बोलो भाई, ऐसा लग रहा है कि संजू और सर पढ़ रहे हैं, बाकी सब या भी मैक पढ़ रही है बस। सर बाकी लोग हैं, बोलो पापियों, एनीवन? कोई बोल नहीं रहा भाई, क्या हो गया, सबको सांस सूंघ गया क्या? इस बार ट्रक चल रहा है क्या सर? हाँ चल रहा है, तो और क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, पागल आदमी तो बिल्कुल ही ना, पता नहीं महक बेटा क्या आएगा बोल। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या लोगों को? आ रही है सर। तो फिर आंसर दे लो, लो जी हम बता, सुनो अब तुम ध्यान रखना, सुनो, जो अब वेव वेलोसिटी पढ़ते हैं ना, ये वाली 5, ये वेव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होती है बताओ? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में? बताया तो है नहीं मास्टर ने, तो वही समझा रहा हूं मैं आपको। मैं वेव वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, क्या होती है? With respect to क्या चाहते हैं लोग यार, दिमाग खराब करते हैं मेरा। नाम बदल देते तुरंत ये भाई साहब, अब किसको निकालूं मैं? चलो कोई नहीं, पापी लोग जो करना चाहें करें। सुनो ये जो वेव वेलोसिटी होती है बेटा, ये होती है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग होती है, ठीक है बेटा? जो मैं 5 लिखता हूँ बेटा, कि अपने ऊपर पढ़ा अपने v इज इक्वल टू टी बाई म्यू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो ये रमन बार बार रमन के नाम से बार बार एंटर कर रहा है, बार बार रमन है या नहीं इसमें? ऑलरेडी रमन है, अच्छा रमन वीडियो ऑन करिए बेटा एक बार तेरा, ठीक है, रमन के नाम से जो एंटर कर रहा था भाई साहब, वो मैं उसको अलाउ कर रहा था। चलो कोई नहीं, उसका आईडी पता लग जाएगी मेरे को आज, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ये विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है, तो 5 क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग बेटा, तो वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग बेटा, मानते हो? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। अब बताओ स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी है? स्ट्रिंग चल रही नहीं चल रही बोलो? चल रही है।
और वेलोसिटी ऑफ वेव मुझे निकालना है, मान लो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 10. 10. तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या आ जाएगी मेरे पास? 15. 15 बेटा मानते हो, लेकिन ये 15 है किसके? ये है वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बेटा मानते हो? बोलो पापियों। यस सर। तो फिर इसका मतलब क्या है? अब हम हैं किसके फ्रेम में? ये सवाल सॉल्व किसके फ्रेम में करें? हम ग्राउंड के फ्रेम में करें या ट्रक के फ्रेम में करें, बताओ? ग्राउंड। ग्राउंड के फ्रेम में तो स्ट्रिंग चल रही है भाई साहब। अगर मैं चीटा बन के, यहाँ बैठ जाऊं तो मुझे स्ट्रिंग रेस्ट में चलाएगी या नहीं आएगी, बोलो? Yes, sir. तो अगर मैं चीटा बन के बैठ गया तो ये फ्रेम कैसा आ गया मेरे पास? मुझे क्या लगेगा कि स्ट्रिंग रेस्ट पे, बेटा मानते हो? और वेव जा रही है, बेटा मानते हो ऐसे? ठीक है, बच्चों कंफ्यूज कर रहे हैं, सवाल बनाया जाता है। ये वेव जा रही है, अब जो ये वेव वेलोसिटी में लूं वो किसके फ्रेम में लूं? चीटा के फ्रेम में, बेटा मानते हो? सर समझ सा नहीं आ रहा सर, दोबारा बता दो। बताया कोई दिक्कत? यस सर। कोई चक्कर नहीं बेटा, सब थोड़ा कंफ्यूज हो गए तुमसे, मैं ज्यादा रिजल्ट बताता पर ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग का क्या मतलब है? अच्छा, मैं स्ट्रिंग पे बैठ जाऊं ना, ठीक है, और देख रहा हूं तो वो विद स्ट्रिंग होगा, सिंपल सी बात, समझ में आ गया? अच्छा सर, ठीक है, स्ट्रिंग के रिलेटिव बेसिकली, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देख बेटा, मैंने अब चीटा के फ्रेम काम कर रहा हूँ, चीटा चल रहा है बेटा मानते हो? चीटा को क्या लगेगा कि स्ट्रिंग कैसे है? रेस्ट पे, बेटा मानते हो? तो अब मुझे जो वेलोसिटी चाहिए वो क्या चाहिए मेरे को? इसकी वेलोसिटी चाहिए ना, वो किसके फ्रेम में चाहिए? चीटा के फ्रेम, बेटा मानते हो? अरे हाँ ना, तो बोलो। यस सर। इन शॉर्ट बताऊं, देखो तुम कंफ्यूज हो गए सारे, सुनो। इन शॉर्ट बताऊं तो इस ट्रक की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, सिंपल सी बात। तो आंसर क्या आएगा फिर से? 2 ही आएगा आंसर। तो जिसको रट्टा मारना चाहता हूँ, बाकी प्रूव करता हूँ, सुन देखो। जिसको जैसे जो कुछ रट्टा मारते हैं कुछ लोग, तो उनके बता रहा हूँ मैं, सिंपल है कि ट्रक की वेलोसिटी से कोई फर्क पड़ने वाला इस पे नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए कर देते हैं, लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि अगर मैं चीटा बन के बैठ गया यहाँ पे तो मुझे स्ट्रिंग रेस्ट में नजर आएगी, बेटा मानते हो? और जो वेव वेलोसिटी मुझे नजर आएगी वो क्या नजर आएगी, बोलो? 5 आएगी या 10 आएगी, 15 आएगी, बोलो? 5। 5 नजर आएगी उसके फ्रेम में, बेटा मानते हो? क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ही है बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? 10। और वेलोसिटी कितनी है? 5। तो 2 सेकंड बेटा पहुंच जाएगी। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया सर। कह रहे मैं बैठा हूँ, कभी कह रहे हो ट्रक पे बैठा हूँ, ये चीटा कहाँ से ले आए आप? ये रिलेटिव वेलोसिटी फंड है, जिसका क्लियर हो गया ना वो कर सकता है। तेरे लिए इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, ट्रक की वेलोसिटी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुझे क्या देखना है, अगर तुझे वो वीद रखा है, विद स्ट्रिंग दे रखा है ना, मान ले जो वेलोसिटी दे रखी है स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, वो वाली वेलोसिटी ले, डिस्टेंस से डिवाइड मार, वो तेरा आंसर आएगा। तो इन शॉर्ट टाइम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो तुझे करना है, और वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ना कि विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड। चमका? नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, ये वाला फंडा आपको लगाना है। कितने लोगों को समझ में? ईमानदारी से बोलना पापियों, ईमानदारी। आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर, ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो अब इसके अंदर बेटा सुनो, बहुत सारे चीजें बन जाएंगी करने के लिए अपने को, ठीक है, लेकिन हमें सबसे टफ सवाल जो बनता है ना, जो तुम ट्राई करना, जिसको जेई करना है वो करें, नीट वाला मत करना। सुनो, जो जेई वाले हैं सुन लो, तुम्हारे लिए सवाल दे रहा हूँ मैं, जिनको जेई पढ़ना अच्छे से एडवांस वगैरह। तो अब तक हमने क्या किया, बेशर्मी की थोड़ी सी, हमने स्ट्रिंग के मास को छोटा माना ना बेटा, मानते हो? देखो मैं मान लो यहाँ 5 किलो लिखा मैंने, और स्ट्रिंग का मास मान लो 5 किलो है, तो क्या स्ट्रिंग के हर पॉइंट टेंशन सेम रहेगी बेटा, मानते हो?
क्या यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन सेम रहेगी क्या बोलो? नो सर, क्योंकि मास आ रहा तो टेंशन बदलेगी मेरा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो हमने अब तक जितने भी सवाल किए थे याद करो, उनमें स्ट्रिंग का मास 1 किलो लिया था और बाकी उसके साथ 5 किलो या 10 किलो, तो स्ट्रिंग के मास को हमने बहुत छोटा मान के ना नेगलेक्ट मारा था, और हमने क्या किया था, टेंशन को हर जगह सेम माना था। लेकिन अगर स्ट्रिंग का मास कंपेरेबल आ गया, स्ट्रिंग का मास कंपेरेबल आ गया ब्लॉक के मास से, तो हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते बेटा, मानते हो? बोलो पापियो। यस सर। तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते तो फिर कैसे करें सर? तो ये जेई वालों को सोचने के लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ, आज कर लेना इसको, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं करा ही दूंगा कल, ठीक है बेटा? सोच लो सर थोड़ा बहुत कि इसमें टी वेरिएबल है। हिंट दे देता हूँ, एक्स डिस्टेंस पे जाके ना एक छोटा सा एलिमेंट लेना, उस पर क्या करना, टेंशन लिखना और वेलोसिटी लिखने की कोशिश करना, ठीक है चमका? ये जेई का सवाल है, एडवांस है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये, ठीक है, करने के लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास सुपर पोजिशन ऑफ वेव। क्या आता है? सुपर पोजिशन ऑफ वेव, या बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये नाम सुना सुपर पोजिशन तुमने पहले कहीं नाम सुना है? याद करो कहीं पढ़ा था मैंने तुम्हारा सुपर पोजिशन पहले? यस सर। कहाँ पे पढ़ा? सुना नाम ग्रेविटेशन में कराया था, याद करो। एग्जांपल लिया मैंने क्रिश का, एग्जांपल लिया याद है कुछ? यस सर। क्रिश था यहाँ पे एस के, ठीक है, तो अभी क्रिश को क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है यहाँ से बेटा मान लो, ठीक है जी। अब इसके भाग और खुल गए मान लो, ठीक है जी, एक और एस के टू आ गया मान लो, तो उसको फिर से अट्रैक्शन मिलेगा। तो उसमें क्या था फंडा कि बेसिकली इस पे जो नेट था मेरे पास वो क्या था, इन दोनों का क्या था, वेक्टर सम था, याद आ रहा कुछ कुछ सुपर पोजिशन में? यस सर। ठीक है, अब वेव में क्या होता है, सुनो, वेव में थोड़ा सा इसी टाइप की चीजें करते हैं हम लोग कि मान लो एक वेव इधर से आ रही है, ये एक वेव आ रही है ऐसे, और इधर से भी बेटा एक वेव आ रही है ऐसे। तो वेव आ रही है बेटा, मान लो ये वेव यहाँ कहीं मिल रही है आपस में, तो वेव होती क्या है बेसिकली, एनर्जी। और वेव के अंदर पार्टिकल क्या करते हैं? SHM. SHM करते हैं, ठीक है जी। अब मान लो इस पार्टिकल को देख जा रहा है, ये ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा सुन, इस पार्टिकल को ये वाली वेव कहेगी भाई तू ना SHM कर और तू यहाँ चल, मेन पोजीशन से Y1 ऊपर चल, ठीक है। ये वाली जो वेव है जो इधर से आ रही है वो भी एनर्जी दे रही है बेटा, मानते हो एनर्जी दे रही है, वो बोल रहा है कि तू ना एक काम कर, तू ना Y2 नीचे जाए। अब इसको एनर्जी मिल रही है पार्टिकल को, एक वेव कह रही तू ऊपर जा Y1, एक कह रही तू Y2 नीचे जा, तो बेचारा क्या करेगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी बात मानेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी बात मानेगा। तो बेसिकली करेगा क्या, देखो सुनो, जो इसका नेट जो आएगा, देखो कुछ तो करेगा बेटा, मानते हो, मान लो इसने कहा तू Y1 ऊपर जा, दूसरे ने कहा तू Y2 नीचे जा, तो ये Y जो खुद करेगा वैसे Y नेट बोल दे, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन जो करेगा एक्चुअल में करेगा वो क्या मान ले, Y नेट मान ले। तो Y नेट को निकालने के लिए सुपर पोजिशन सिंपल था, कहा कि भाई लोगों आप क्या करो, Y नेट होगा वेक्टर सम, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ Y1 प्लस Y2। बात समझ में आई? ये है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। और दो वेव के मिलने को क्या बोलते हैं हम लोग, दो वेव के मिलने को क्या बोलते हैं, बोलो, नाम सुना हुआ तुमने शायद ये, नाम सुना इंटरफेरेंस? लाइफ में लोग, तुम लोग करते क्या, दूसरे लाइफ में इंटरफेयर करते, तुम लोग करते क्या, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब क्या है, दो वेव एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, वेव्स का मिलना बेसिकली इंटरफेरेंस है, ठीक है, एनर्जी का मिलना इंटरफेरेंस है।
तो वाई नेट जो आएगा बेटा वो क्या होगा, वाई वन प्लस वाई टू का वेक्टर सम। ठीक है, अब बताओ सुनो, जैसे मान लो ये वेव कह रही तू वाई वन ऊपर जा, दूसरी कह रही तू वाई टू ऊपर जा, तो सिंपल बेटा ऐड हो जाए बेटा, मानते हो दोनों सेम डायरेक्शन बेटा मानते हो, तो वाई नेट क्या आ जाएगा बोलो, वाई वन प्लस वाई टू। लेकिन अगर मान लो एक वेव कह रही है ऐसे कि भाई तू वाई ऊपर जा, दूसरी वेव कह रही है तू वाई नीचे जा, तो वाई नेट क्या आएगा? माइनस वाई, माइनस टू, जीरो आया बेटा मानते हो। तो ये पार्टिकल कहीं नहीं जाता, मैं यही कहूंगा, सिंपल सी बात। तो ऐसे इंटरफेरेंस करना सीख लोगे भाई? हाँ ना बोलो। यस सर। ये बेसिक बेसिक बातें आई हैं, अब तुम्हारे प्राण निकलेंगे। सुनो, प्राण क्यों निकलेंगे सुनो, दो वेव आ रही है, वेव को जोड़ना तुम्हें सिखाया गया है बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी सिखाया गया तुम्हारे को मैथ्स वाले बच्चों? यस सर। ठीक है, अब वेव की इक्वेशन क्या होती है बेटा, वो होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बेटा मानते हो। तो मान लो ये वाली वेव ऐसे जा रही है, इसकी इक्वेशन ये है, ए वन मान लो चलो, ठीक है वाई वन, ठीक है, और इधर से वेव आ रही है मान लो वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे। अब दोनों इंटरफेयर करेंगे तो अपन क्या करेंगे, वाई नेट को क्या लिखेंगे अपन, वाई वन प्लस वाई टू लिखेंगे बेटा मानते हो। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, दो साइन जोड़े कैसे, बाहर वाले वैसे परेशान हो जाएंगे। ठीक है जी, परेशान हो जाओगे ना बेटा, साइन कैसे जोड़े? यस सर। तो उसको जोड़ने का आसान तरीका है, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कल, क्योंकि टाइम बचा है लेस देन वन मिनट। ठीक है जी, तो जो मैथ्स वाले बच्चे वो पढ़ के आए भाई साइन सी प्लस साइन डी कैसे जोड़ते हैं, ठीक है जी, बायो वाले भी एटलीस्ट फॉर्मूला पढ़ के आ जाओ साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है सर। हाँ बोटा बिट बोल। स्कूल कब खुलेंगे ये बताओ सर। 27 पक्का? हाँ सुन तो सुनने में यार है। फिर ठीक है सर, बाय बेटा। बाय सर। बाय।